नमस्कार, सनी रसोई में आपका स्वागत है। मैं आज आपको हेल्दी पनीर बनाना सिखा रही हूँ। ये मैंने 150 ग्राम पनीर लिया है, जिसको मैंने छोटे टुकड़ों में काट लिया है। और ये मैंने 5-6 टमाटर लिए हैं, जो मैंने मिक्सी में पीस लिए हैं। और एक मीडियम साइज का प्याज लिया, जो मैंने बारीक मिक्सी में पीस लिया है। और ये मैंने क्रीम ली है, घर में बनाई है मलाई की। और ये मैंने तेज़पत्ता लिया है, और एक मोटी इलायची है, 2 छोटी इलायची हैं, और 2 लौंग लिए हैं। इसको मैं फ्राई करूँगी। और ये मैंने लहसुन लिया है, 6-7 कलियाँ लहसुन की ली हैं, जो मैंने बारीक चॉप कर ली हैं। और अदरक लिया है 1 चम्मच। और ये मैंने धनिया लिया है बारीक पिसा हुआ। नमक आप अपने स्वाद अनुसार डालिए। और ये मैंने लाल मिर्च ली है, आप अपने स्वाद अनुसार लाल मिर्च डालिए। और ये मैंने गर्म मसाला लिया डालने के लिए। और ये मैंने कस्तूरी मेथी लिया डालने के लिए। और ये हल्दी है, ये ऑप्शन है, आप अगर डालना चाहें तो डाल सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। और ये मैंने शहद लिया डालने के लिए, 1/2 चम्मच के करीब। चलिए अब हम शुरू करते हैं पनीर की रेसिपी बनाना। गैस मैंने ऑन कर लिया है। दो चम्मच मैंने रिफाइंड डाला है। ये हमारा तेल गर्म हो गया है। ये मैंने मोटी इलायची डाली है, और 2 लौंग डाल रही हूँ, 2 छोटी इलायची डाल रही हूँ, और तेज़पत्ता डाल रही हूँ। इनको हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। ये फ्राई हो गए हमारे। गैस मैंने मीडियम कर दिया है। अब इसमें हम प्याज डाल रहे हैं। साथ में जो टमाटर हमने मिक्स में पीसे थे, उसको भी डाल रही हूँ। और थोड़ी देर इनको फ्राई करेंगे। ये अदरक और थूम भी डाल रही हूँ बीच में। थोड़ी देर के लिए फ्राई करेंगे। ये हमारा मसाला भुन चुका है, ग्रेवी जो है। अब इसके अंदर मैं हल्दी डाल रही हूँ। पिसा हुआ धनिया डाल रही हूँ। लाल मिर्च डाल रही हूँ। और ये मैंने टमाटर की प्यूरी ली हुई है, उसके अंदर मैंने देखी मिर्च भी डाल रखी है, इससे अच्छा कलर आता है। सॉरी, ये मैं भूल गई थी बताना। ये नमक है, आप अपने स्वाद अनुसार डालिए। 1 चम्मच मैंने नमक लिया है। ये कसूरी मेथी डाल रही हूँ, इससे अच्छी खुशबू आती है। अब इसको थोड़ी देर हम फ्राई कर लेंगे। अब मैं इसके अंदर क्रीम डाल रही हूँ। ग्रेवी हमारी तैयार हो गई है।
इससे ग्रेवी और गाढ़ी हो जाती है और इसका टेस्ट भी बहुत ही अच्छा आता है खाने में। मैंने इसके अंदर पानी नहीं डाला है, आप अगर पतली करना चाहते हो ग्रेवी को तो डाल सकते हैं। ये देखिए बिल्कुल तैयार हो गई है। अब मैं इसके अंदर पनीर के टुकड़े डालूंगी। थोड़ी देर फ्राई करूंगी फिर बंद कर दूंगी इसको। अब मैं इसमें आधे चम्मच के करीब शहद डाल रही हूँ। और गैस बंद कर रही हूँ मैं। अब हम इसको, जो हमारा हेल्दी पनीर है बनके तैयार हो गया है, अब हम इसको सर्विंग बाउल में डालेंगे। ये हमारा हेल्दी शाही पनीर बनके तैयार हो गया है। इसके ऊपर मैं हल्का सा पनीर डाल रही हूँ, आप काजू भी डाल सकते हैं काटकर। और ऊपर से मैं गर्म मसाला डालूंगी। ये हमारा हेल्दी पनीर बनके तैयार हो गया है। आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और बेल का बटन ज़रूर दबाएं और के साथ भी शेयर करें। धन्यवाद।